और ये देख लो यार, ये अपना नया आईफोन है, आईफोन 13 512 GB। माँ कैसा लग रहा है? यार देखो पब्लिक, आज की वीडियो का टाइटल हम तो लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। जी हाँ, आज अपन अपना नया ब्रांड न्यू आईफोन 13 लेने जा रहे हैं, ठीक है। ओह उप्स, मैंने बोल दिया क्या? हाँ, आईफोन 13। लेकिन अब आईफोन 13 में कौन सा आईफोन, आईफोन 13 प्रो, प्रो मैक्स, वो देखने के तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। और एक फन फैक्ट बताऊं, मतलब मैं जो ये वाली क्लिप बना रहा हूं ना इंट्रो, ये मैं वीडियो कंप्लीट करने के बाद बना रहा हूं, ठीक है। और ये क्लिप मेरे नए आईफोन 13 से ही बन रही है, ठीक है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखो, मजा करो। और ऊपर से मेन फैक्टर ये यार, इस वाली वीडियो में ना मैं दो चीज कर रहा हूं, ठीक है। पहला तो मैं अपने लिए आईफोन ले रहा हूं, दूसरा मैं मम्मी को आईफोन गिफ्ट भी कर रहा हूं। तो दो धमाके तुम्हें वीडियो में देखने वाले हैं, वीडियो को आखिर तो जरूर देखना। बाकी एक चीज तुम लोग बतानी है कि यार आज देखो थर्सडे है, ठीक है, और इस सैटरडे 7 तारीख को तुम्हारे भाई का स्टैंड अप कॉमेडी शो है पालम में, ठीक है। पालम लाव स्टोरी उन्मुख स्टूडियो में, प्रॉपर देखो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल, टिकट बाय करने की लिंक वगैरह सब डाल दूंगा, ठीक है। देखो तुम लोगों को भाई आना है, जरूर से जरूर आना है, इसलिए मैं वीडियो को स्टार्टिंग बता रहा हूं। तुम लोग वीडियो देखने के बाद फटाफट से लिंक पे जाना, टिकट ले लेना। बाकी अगर टिकट नहीं ले पाओ तो भाई वेन्यू पे आ जाना 7 तारीख को, मतलब सैटरडे को 7 बजे से शो है, ठीक है। तो 6:30 बजे वेन्यू पे आ जाना, ऑफलाइन टिकट मिल जाएगी। बाकी सर और वीडियो तुम आराम से पूरा देख सकते हो, ठीक है। अरे भाई तुम देख लो, यहाँ पे फुल गुलाब जामुन है मम्मी, लगभग तुझे मतलब पता है कि आज क्या अपन तूफानी करने वाले। पहली मुंह मीठा कर ले। नोडी ने आज मुझे फिर से काट लिया। माँ यार क्या क्या करूँ मैं इस कुत्ते का यार। कुछ नहीं करो, तुमको क्यों काटता है? माँ यार पता नहीं, उसने मुझे सिलेक्ट कर रखा है। हमको क्यों नहीं काटता है? पता नहीं, उसने जब भी मतलब ऐसा कुछ गुस्सा भड़ास निकालनी होती मेरी उंगली काट लेगा यार। तू इसको छेड़ता है, तू इसको परेशान करता है, इसीलिए काटता है। माँ मैं इसका खेलता हूँ, उसे खेलना बोलते हैं। डॉगी खेल का मतलब नहीं समझता है। यार सच में भाई मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं ना इसका पता कैसे खेलता हूँ, तुम लोगों को मैंने बताया भी बहुत बार, मतलब मेरा खेलने का तरीका ना थोड़ा अलग होता है। ये गोल्डन रिट्रीवर है तो अपन सेंट बर्नार्ड है, तुम लोगों को तो पता है अपना ये वाला जो चलता रहता है। लेकिन थोड़ा खेलता भी ऐसे हूँ कि यार थोड़ा इसे इसके थोड़े होठों को ऐसे खींचता हूँ, थोड़ा दांत से उसको ऐसे दिखाता हूँ कि काटने वाला। तो कभी कभी मामला गर्म हो आता है तो भाई बड़ी तेज काटते हैं। मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ, देखो उसने जो मुझे आज इधर जो काटा है ना भाई, सही बता रहा हूँ, मतलब अंदर की पूरी फ्लैश फ्लैश दिख गई थी, वो तो मैंने जस्ट अभी बैंडेज अपना निकाला है। पग्गू पग्गू बड़ा हो जा, तेले भी फिर नया आईफोन लेके आऊंगा, फिर अपनी पग्गियों को वीडियो कॉल करा करिए। मतलब आज के दिन की शुरुआत ही इतनी तगड़ी हुई है, क्या हुआ? पहले बोलो ब्रश किया कि नहीं किया? ब्रश करके आ रहा हूँ, ये देख ब्रश करके आ रहा हूँ मैं। ऐसी पागल बनाते रहता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। हमने इंसानी मांस रखे हुए हैं। क्या बात कर रही है, इंसानी मांस? ये तुम जितने भी वो जो हत्याकांड होते हैं गहरे गहरे, ये तुम्हारी सारी आइडिया होती है क्या उसमें? भाई वैसे तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये कोई इंसानी मांस नहीं है, ये केचुए का मांस है। फुल गलत चलते रहना चाहिए भाई, मुझे पता नहीं किसका मांस है, कौन सा है, चिकन है क्या? चिकन है। देखो भाई इन लोगों के लिए, ये अपने कुत्तों के लिए यार चिकन अंदर अपने रखा हुआ है। मतलब आजकल तो अपन फिर भी कम चिकन खा पा रहे, लेकिन इन लोगों को प्रॉपर भरपूर चिकन दे रहे हैं। नोडी कैसे देख रहा है? नोडी बेटा कट्टी है, ध्यान दे आज। तो जरा तू बता दे, मतलब तेरे हिसाब से कौन सा आईफोन लेना चाहिए? 13। अच्छा तो और 13 में कौन सा, 13 प्रो या फिर क्या? इतना तो नहीं पता मुझे, जो तुम्हारी चादर अलाउ करे। और ये देख लो भाई, इनके लिए प्रॉपर बर्फ बिछा दी गई है। क्या बर्फ खाते हैं ये लोग? खा लेते हैं। खा लेते हैं? हाँ बचपन में बर्फ खाता था हम लोग, पी लेते हैं ये, खा लेते हैं। बचपन में बता, मैं खाता था क्या बर्फ? खूब खाता था, खूब बर्फ पसंद था मुझे। अरे हाँ यार मुझे याद है, मैं तो बर्फ ही बर्फ चबाता रहता था। तो देख लो ये कुत्ते मेरे पे गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छी ब्रीड है ना, अपन सेंट बर्नार्ड, ये गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा तुम देख लो यहाँ पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये अपना ITR हो गया, ये चेक, ये अपना पैन कार्ड हो गया, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे, बस एक चीज मिसिंग है, वो है यार अपना आधार कार्ड, ठीक है। मतलब मुझे मेरा आधार कार्ड नहीं मिल रहा। आपको ऊपर पापा रूम में तो ये सब था जो पापा लेके आ गए, ठीक है। आधार कार्ड मेरे वाले रूम में इधर दराज में पड़ा था, पता नहीं कहाँ यार दराज से कहाँ खो गया, दिख ही नहीं रहा मुझे। बाकी आधार कार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दिखाया, तो देखो ये मैंने अमेज़न से मंगाया था नई चेक। तो देखो ना पूरी अपनी फैमिली निकल पड़ी, ठीक है। अपन जा रहे हैं यहाँ से वेगस, जितने लोग मतलब अपने द्वारका या साउथ वेस्ट दिल्ली के हैं, तुम लोगों को पता होगा वेगस मॉल, और हर किसी को पता है मतलब एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, इफ आई एम राइट। बोला तो गया है कि एशिया का। हाँ, भाई अब सुना तो है हमने। अब देखो मेरे को तो यार वो मॉल इसलिए पसंद है क्योंकि भाई वहां पे ना तुम मानोगे नहीं, वहां मतलब एक स्टोर है लाव स्टोर, तुम जानते हो अपन स्टैंड अप कॉमेडी में मैटर चलता है अपना, तो वहां पे लाव स्टोर है जो कि मतलब दिल्ली का सबसे बड़ा लगभग एक क्लब में आ जाता है, ठीक है। तो वेगस मॉल है कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बड़ी चीज है, ठीक है। और मेरे पापा का देखो बचपन से ट्रैक रिकॉर्ड है, बचपन से मतलब मेरा बचपन, मेरे बचपन से ट्रैक रिकॉर्ड ये कि यार जब भी मेरे लिए कुछ भी सामान पापा ने लिया है, अगर वो महंगा है तो वो क्रोमा से ही लिया है, ठीक है। और इसमें बस एक मैकबुक की गिनती है। देख लो मम्मी को देख क्या लग रहा है कि बनी जबरदस्ती बिठाया गया है। मैं अभी घर में खाना बना रही होती, पग्गू से खेल रही होती, तू जबरदस्ती खींच लाया हमने।
तो देख लो भाई एक सीन तो ये कि जब भी तुम मम्मी को शाम में घर से बाहर निकालोगे ना तुम्हें एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई घर में खाना फिर नहीं बनेगा, या तो तुम पैक करा लो खाना या तो तुम मम्मी को खाना पहले खिलवा दो। तो कोशिश करेंगे कि हाँ कोई खाना वाना अपन पैक भी करा ले। बाकी चलो यहाँ से 2 मिनट रास्ता है तो मैं फटाफट से पहुंच के दिखाता हूँ। तो यार देखो चेंज इन प्लान हो गया, ठीक है। पहले अपना प्लान था वेगस जाने का, वेगस वाले ग्रोह में, लेकिन अभी यार अपन रेडिसन वाले ग्रोह में आ गए हैं। ये मेरे स्कूल के पीछे ही पड़ता है, वैसे तो वेगस भी मेरे स्कूल के पीछे ही पड़ता, लेकिन ये वाला ज्यादा पास होगा। तो तुम देख लो ये अपना कुछ क्रोमा है, चलो अंदर चलते हैं। A few moments later. देखो मुझे कई बार ना कुछ जगह ये समझ में नहीं आता कि भाई वीडियो अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। मैं हर जगह जाके यही बोलता हूँ कि भाई मैं अपना कुछ सामान खरीदने आया हूँ, मुझे अपना सामान लेते वीडियो आने की हमारा काम है। भाई आज भी ना मैं देखता हूँ इस देश में व्लॉगिंग भाई करना कोई आसान खेल नहीं है। धीरज देख रहे वो कुछ गलत कर रहे हैं जो वीडियो बनाने की मना कर रहे हैं। तो देखो यार वही घूम फिर के अपन आ गए वेगस मॉल वाले क्रोमा में, ठीक है। और क्रोमा से मैं आ चुका हूँ क्रोमा में ना, मेरे को जो चाहिए 1 TB 512 उसका कोई वेरिएंट नहीं है, ठीक है। तो हम वेगस मॉल के अंदर एक यहाँ पे एप्पल का ऑथराइज सेलर है एप्ट्रॉनिक्स करके, तो अपन अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या 1 TB या 512 GB का होगा, क्योंकि मुझे लेना जो है वो मैं ज़्यादा स्पेस कर लूँगा। वैसे कम स्पेस का मैंने यही लेके गलती नहीं करूँगा दोबारा, ठीक है। तो यार देखो मैंने ये वाला आईफोन लिया है, ठीक है, iPhone 13 512 GB, मतलब फुल 512 स्टोरेज, लेकिन वाइट कलर का। तो मैंने साथ में और भी दो चीज़ लिया है, तो मैं दिखा देता हूँ। पहले ये देख लो, एक मैंने ये पेंसिल ग्लास का मतलब टेम्पर्ड लिया है जो कि बहुत सही है, वो नहीं तो वो डार्क वाला टेम्पर्ड ग्लास नहीं होता, ये वो वाला है। और साथ में अपना ये देख लो, ये अपना भाई क्या है बैक कवर, और साथ में अपना ये बैक कवर है, ठीक है, ये भी काफी सही है। मतलब दोनों काफी महंगे यार, 1000 से तो ऊपर ही है। कितने का ये? 1800। और ये 1800 2000, मतलब समझ लो 2000 के आसपास ही है, ठीक है। तो स्टोर में तो महंगे मिलते, बाकी आओ अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, ठीक है। और ये देख लो यार, ये अपना नया आईफोन है, iPhone 13 512 GB। वहाँ कैसा लग रहा है? कभी उसमें ऐसा ना हो जाए तुम्हें कैमरा चाहिए वो अलग से आएगा। इधर से अपन कुछ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ देख लो यार, ये कुछ अपना आईफोन है और मेहनत ही कमाई है ना। और कुछ मतलब ऐसे मौके में तो 2-3 ऐसे मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं, बाकी मैं बोलूँगा कि यार ये चीज़ें मैं घर में करता हूँ। यार मुझे कमेंट सेक्शन में करीब यार 5-10,000 कमेंट सही हो, कंग्रेचुलेशन करो। मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यार मैंने अपना पहला आईफोन ना 2020 में लिया था, मम्मी 21 में लिया था लॉकडाउन के बीच में। मैंने अपने बर्थडे पे खुद को गिफ्ट किया था, तो भाई ये तो देखो ये मैं जरूरत के लिए ले रहा हूँ। पता ना कि शूट वूट करने के लिए बढ़िया एकदम अच्छा क्लास आएगा 13। अरे वाह देख लो भाई टेम्पर्ड लग चुका है, हाँ क्या बात है। बाकी यार ये देख लो अपना फोन यहाँ पे कॉन्फ़िगर पूरा हो चुका है और कवर भी हमने लगा दिया। देख लो ये कवर जो है, ये कवर मैंने चूज किया था। और इसमें ये ऐसा बना रहेगा? ये बना रहेगा, ये मैगसेफ वो है। लेकिन अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको निकाल भी सकता हूँ, ये वाइट, ये तो इसका लुक खराब हो जाएगा सर, इससे तो इसकी लुक एनहांस हो रही है। अच्छा आपके हिसाब से ऐसे लुक अच्छा आ रहा है, चलो ठीक है फिर इसको ऐसे ही रखते हैं, बाकी मूड करे तो इसको निकाल भी देंगे। हैप्पी? अरे देख लो पापा का ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट इमोशन था, ठीक है, तो पापा को हम ज्यादा छेड़ेंगे नहीं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम देखो ये अपना पुराना वाला आईफोन है और ये अपना नया वाला आईफोन, कितना अलग लग रहा है देख रहे हो। लेकिन एक चीज भाई, इसकी कैमरा क्वालिटी, इसकी ऑडियो क्वालिटी, वो नगद लेके आए होंगे ना, सीधा पैसा पकड़ाया और दो, अपना वैसा मैटर नहीं था। ये 11 वाला जो है ना, इसमें भी थोड़ा सा डस्ट वस्ट ठीक करा के इसको फिर अपन माँ यूज कर ले, है ना, इसको मम्मी को दे देते, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा शौक है यार यूट्यूब वगैरह का, थोड़ा इंस्टाग्राम देखती रहती है, फोटो वोटो खींचने का, तो मैं बढ़िया मतलब इसको यूज कर सकती है। तो चलो हम बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे यार वेगस मॉल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को, ठीक है, और ये सारे एम्प्लॉयज जिन्होंने मेरी काफी हेल्प करी, थैंक यू सर थैंक यू मैम। चलिए मैम। तो यार ये देख लो सारा अपना खाना वगैरह आ गया है, ठीक है, और ये अपना आईफोन, आओ दीदी को दिखाते हैं। चलो भाई ये देख लो दी, ये देख, ये रहा अपना आईफोन 13 512 GB। यही अवेलेबल था यार, वाइट तो बहुत गंदा कर देगा। कोई नहीं, इसमें बढ़िया एकदम बैक कवर चुन लूंगा जिसमें वो डिजाइन वाला होता है, बाकी 512 GB एकदम स्पेस स्पेस, जितनी मर्जी वीडियो बनाओ कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करूंगा मैं, लेकिन इसकी यार वीडियो क्वालिटी इतनी सही है ना, मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी, बोला ही था 13 की अच्छी है। तो यार देखो ये कुछ क्वालिटी चेक, ठीक है, तुम लोगों को पता लग रहा होगा, देख लो ये वाली क्वालिटी कैसी है और ये कैसी, मतलब जितना अपन कैमरे में जस्टिफाई कर पाएंगे। देखो ये देखो पीछे तो मैं दिख रही हूँ ना, इसमें देखो क्वालिटी कैसी आ रही है, देख रहे हो
और इसमें देखो तो क्या ही कंपेयर कर रहा है, 12 से गंदा। नहीं अच्छी अच्छी काफी अच्छी क्वालिटी यार है ना। तो बस देखो यार यही अपना कुछ आज का बढ़िया एकदम फन व्लॉग तरीके के, बाकी मुझसे पूछो मुझे तो मजा आ गया आईफोन लेके। आप जितने बड़े हो जाओ भाई मैंने करीब समझ लो 50 के आसपास तो मैंने डाउनलोड करी थी इसकी ऑन द स्पॉट। तो बस है देखो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ ठीक है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी ये पूछने वाली बात नहीं है, वीडियो ऑफकोर्स अच्छी लगी होगी क्योंकि यार सामान अपन ने लिया है इतना तगड़ा तो वीडियो अच्छी लगनी बनती है। बहुत महंगा पड़ा यार, महंगा देते हैं। अरे भाई 2000 के हैं ये, 2000 कवर, 2000 टेम्पर्ड। तो नहीं बोलता वो। तो लेकिन मैं थोड़ा सा आलस वाला बंदा हूँ ना, मुझे पता था कि कल को मैं बहुत लेट लगाऊंगा। बट अच्छा तो देखो वीडियो बने पे एंड कर रहे लेकिन जाते आते ना मैं चाहता हूँ तुम लोग कमेंट सेक्शन भर दो करीब भाई मैंने कहा है और मैं कह रहा हूँ तो हो जाने चाहिए कमेंट ठीक है। पूरे 4 से 5 हजार कमेंट चाहिए मुझे कांग्रेचुलेशन के। मैं हर किसी पे रिप्लाई तो कर नहीं पाऊंगा तुम लोगों को पता है ठीक है, लेकिन एक होता है ना खुशी देख के अच्छा लगेगा। इतने कमेंट करो एक यूट्यूबर की फील आती है देखो ये अपनी जनता पब्लिक है देखो इतना सपोर्ट करते। तो 4 से 5 हजार कमेंट ना हो जाने चाहिए ना, फिर मुझसे बात मत करना मैं फिर वीडियो डालूंगा, डालनी तो पड़ेगी मुझे लेकिन दिल से डालूंगा ठीक है। तो कमेंट कर देना ज्यादा से ज्यादा, लाइक कर देना वीडियो को, लाइक का प्यार दिखाओ वीडियो को, ज्यादा शेयर करो हर कुछ दिखाओ, बताओ भाई पॉसिबल है दुनिया में हर कुछ है ना। बाकी सब्सक्राइब कर दे चैनल पे अगर नए हो तो। चलो वीडियो में पे एंड करता हूं तो यार मैं वापस तब से अगले तब तक के लिए गुड बाय।